दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नई शराब नीति पर अन्ना हजारे ने अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने केजरीवाल को संबोधित करते हुए लिखा है कि कई दिनों से दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर जो खबरें आ रही हैं, मैं उनसे काफ़ी दुखी हूं। हमें महाराष्ट्र की तरह शराब नीति की उम्मीद थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अन्ना ने आगे लिखा है कि लोग सत्ता के लिए पैसे और पैसों के लिए सत्ता के घेरे में फंस गए हैं, यह उस पार्टी के अनुरूप नहीं है जो एक बड़े आंदोलन से उभरी है। उन्होंने अपनी पुस्तक स्वराज में बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, लेकिन आपके आचरण पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ। इसके साथ ही अन्ना हजारे ने कहा कि आपकी सरकार लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है, महिलाओं को प्रभावित करने वाली शराब नीति बनाई है। आपकी कथनी और करनी में फर्क है। सरकार को जनहित में काम करने पर मजबूर करने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों को एक प्रेशर ग्रुप में होना जरूरी था, तो देश में अलग स्थिति होती और गरीबों को फायदा मिलता। दुर्भाग्य ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद मनीष सिसोदिया और आपके साथियों ने मिलकर पार्टी बनाई। एक ऐतिहासिक आंदोलन करके जो पार्टी बनाई गई थी, वह बाकी पार्टियों के रास्ते पर चलने लगी है, यह बहुत ही दुख की बात है। वही महात्मा गांधी के गांव की ओर चलो के विचार से प्रेरित होकर मैंने अपनी जिंदगी गांव, समाज और देश के लिए समर्पित की है। पिछले 47 साल से ग्राम विकास के लिए मैं काम कर रहा हूं और भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को पुराने दिन याद दिलाते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि आप हमारे गाँव रालेगढ़ सिद्धि आ चुके हैं, यहाँ आपने शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि पर रोक की प्रशंसा की थी। राजनीति में आने से पहले अपने स्वराज नाम की पैच राजनीति में आने से पहले आपने स्वराज नाम की एक किताब लिखी थी। इस पुस्तक में आपने ग्राम सभा, शराब नीति के बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा भूल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।